वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कल हम सो गए थे हाउस बोट पे और नानी भी सो गई थी, दीदी भी सो गई थी, पापा भी सो गए थे। ये क्यों हुआ? वो इसलिए करे जो सुंदर लगता है, थू 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 नजर न लगे इसलिए। तो फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ हमने विंडो का व्यू। देखो गाइस सुबह सुबह सब जा रहे बोटिंग, शिकारा लेके अपनी बाहर काम करेंगे जाके। व्यू अच्छे है जो भी कहो, मस्त गाइस। ये हमारा देखो ये रहा विंडो, और कुछ बाहर का व्यू इस तरीके का है। इधर देखो सामने है परचून की दुकान। लोग ये छोटी छोटी नाव दिख रही है ना, इनकी पर्सनल नाव होती है, और ये लोग यहाँ पे इसको कहते हैं स्कूटी। हाँ, और बहुत अच्छा है व्यू, मजा आ गया। स्कूटी है, हाँ डल जी की स्कूटी है भाई, सब कुछ है यार। वो देखो जा रहे ना, सारी चीजें अवेलेबल भाई, सब ऐसी नाव में जाते हैं, बाहर जाना हो कहीं कुछ करना हो। देखो वो देखो झाड़ रहे, वो घर में अपना काम कर रहे हैं वो देखो। तो चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद फिर चलते हैं डल झील के नजारे लेते हैं, है ना? ठीक है, ओके चलो चलो। हम गाइस ज्यादा सामान नहीं लाए थे, यहाँ पे थोड़ा ही लाए थे ताकि हमें परेशानी ना हो। मतलब यूजेस का हाँ। था, बाकी हमने यार लगेज वगैरह लाना सही नहीं समझा, क्योंकि यार पता है बहुत ज्यादा सामान भी ठीक नहीं है लाना ना, यहाँ पे शिकारा से आना पड़ता है। तो अभी क्या है, हमने जो इतना हमारे को यूज का सामान था वो लिया है उतना। चलो चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर ऐसे आते हैं भैया लोग शिकारा पे अपने, और ये सामान बेचते है। गाइज यहाँ पर है ना, जो बच्चे स्कूल भी जाते है ना, वो देखो ऐसे जाते है अपनी स्कूटी लेके। गाइस इधर हमारा शिकारा आ गया हमें लेने, और हम इसी से जाएंगे अब बाहर। तो चलते हैं। तो गाइस कल हम यहीं से गए थे रात में, रात का व्यू आपने देखा होगा, अब दिन का देखो कैसा है। और इधर मेरी नानू है बीच में। नानू मजा आ रहा है? देख रहे हो कैसा घर होता है, ये ऐसे रुकते हैं यहाँ पे। और अभी तो अभी बहुत चीजें देखनी बाकी हैं आपके लिए, वो भी देखेंगे। तो गाइस यहाँ पर हम आ गए हैं, अपना ये जो 7 नंबर गेट है इधर पहुंच गए हैं। अब हम अभी बाहर करेंगे हम ब्रेकफास्ट नाश्ता, उसके बाद करेंगे हम शिकारा राइड। हमने जहाँ रात में डिनर करा था ना, जहाँ से पैक करवाया था, हम वहीं आ गए नाश्ता करने, क्योंकि यह ना एक तो प्योर वेजिटेरियन है और दूसरा खाना भी अच्छा है। तो हम यही करते हैं आज नाश्ता, आलू के पराठे का सैंडविच का। नाश्ता करने के बाद अब चल रही है शिकारा राइड पे, तो चलो आप भी चलो। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा व्यू चेंज हुआ है, इधर देखो ये थोड़ा और ओपन हो गया, खुला हो गया, थोड़ा दूर दूर जाके हाउस बोट है। इस लेक का नाम कहते हैं इसको कि गुल फार्म लेक बोलते हैं इसको। एक सीरियल, टीवी सीरियल आया करता है गुल गुल फार्म के नाम से, तो उसकी शूटिंग यहीं पर। यहाँ देखो ये भैया लोग आइसक्रीम वगैरह लेके, चाय कॉफी सब ले लेके आ जाते हैं। चलते चलते आपको इंजॉय करवाएंगे। अच्छा आपके लिए सर जी बता, यहाँ देखो पोस्ट हाउस भी झील में है, बोट में। फ्लोटिंग पोस्ट हाउस, फ्लोटिंग पोस्ट हाउस। हाँ जी, वाय वाय नहीं नहीं, यहाँ देखो मजे लो लेटने आए। देखो ओहो, ये छोटा सा गार्डन इधर पानी के बीचों बीच, और इधर देखो सारी मोटर वाली बोट खड़ी है। अच्छा फूल वगैरह नहीं है? हाँ वही ड्रेस वगैरह चेंज करवा रहे उधर। कहाँ है ये रो भाई? ये देखो हाँ जी, पार्क में नहीं, पार्क में जाना है नहीं भैया। भाई यहाँ से रुकते हैं फिर पार्क में जाते हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि 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 कुछ नहीं है, फ्लावर्स रहते हैं। अच्छा ये ओपन डल लेक है पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर्ट्स लेक, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स लगता है, स्विमिंग का, कायाक का। अच्छा यहां पर जनवरी में ये लेक पूरा फ्रीज होता है। स्विमिंग भी होती है इसमें? इसके
अच्छा ये पूरी मतलब जम जाती है झील, ये जमता ना, ये स्पोर्ट्स नहीं खेला, ये जमता है। अच्छा वो देखो हमारा ऊपर तिरंगा भी ले रहा रहा। अच्छा अच्छा आर्मी कैंट है उधर भाई, ये है ओपन लेक पूरा हमारा। इधर देखो घड़ी वड़ी बेच रहे हैं। कितना प्यारा लग रहा है। कितने का है ये? रहते 150 और ये रहते 300 और इसका दूसरा रहता है ये वाला बड़ा साइज, ये 250 बट ये क्वालिटी में था वो वाला क्वालिटी। और ये मैग्नेट वाले गाइस ना इधर सारा ना बस जितने भी मूवी की शूट होता है ना सब इधर ही होता है लगभग, भैया बता रहे हैं। तो गाइस इधर ये है ना चेयरफुल चेरली हाउस बोट, भैया बता रहे हैं इसमें हुई थी मिशन कश्मीर की शूटिंग। अच्छा हाँ हाँ जो उतार के जाता है उतर के जाता है। हाँ 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 भैया सही बोल रहे हो। केसर आता है तीन जगह का, एक होता है ईरान, स्पेन और कश्मीर। तो ये केसर भैया जो है ये बेसिकली निकलता कहाँ से? ये बेसिकली निकलता है गांव में पपो। और क्या इसका जो असली केसर है वो तो बहुत महंगा होता होगा? सलाजित निकलता है लद्दाख से। अच्छा सिलाजित, हाँ जी। तो यहाँ पर कैसे बेच रहे हैं फिर? वो बोल रहा था ना यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा दिल्ली से सामान यहाँ पर आता है। हाँ हाँ ऐसे लद्दाख से आ रहा है। देखो गैस मछलियाँ हमारी पड़ी हैं यार। हाँ कल बारिश हुई थी ना उसके वजह से कह रहे हैं भैया। हाँ कुछ चेंजेस हो जाते हैं ऑक्सीजन लेवल का, कुछ चेंजेस होता है इसलिए मछलियाँ मर गई हैं। अच्छा ये देखो मर गए बेचारी, कल बारिश हुई है उसका इफेक्ट है देखो इन बेचारों पे पड़ा है। तीन तीन मछलियाँ बेचारी मरी, बहुत सारी है, तीन नहीं बहुत सारी है भाई। अब जो दिखा रहे ना भैया ये कह रहे यहाँ जो सामने शॉप भी रहेगी होटल भी रहेगा लेकिन इनका घर इन्हीं के पीछे ही है। तो अब हमें यहाँ से मिलेगी मार्केट। गांव वाले है ना दो किस्म का जॉब करता है दो साल में, एक समर में बनाते हैं सब्जी उगाता है। अच्छा विंटर में ये बनाता है शाल साड़ी। अच्छा 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 दो तरह के काम करते हैं। तो जैसे भी ये ढील जम जाती है फिर ये शिकारा राइड कैसे होती है? ये बंद होता है ना क्योंकि ये तेज होता है ना ब्लेड का जैसा आइस। ये देखो शॉप है, लिवर्ड है। इधर देखो CRPF का कैंप भी है, पानी के बीच में बना हुआ है, पानी के बीचों बीच देख लो होटल है हमारे जवानों के लिए, बोट भी है। इधर देखो बकायदा यार है जैसे नॉर्मल होते हैं ना वाले सड़कों पे। ना देखो वही की नॉर्मल जगह क्लिनिक भी है। सब कुछ हाँ क्लिनिक भी है, सारी सुविधाएं हैं। ये देखो ना आप यहाँ पे अपना कुछ भी खाओ गर्मो गर्म। ये देखो परचून की दुकान, इधर देखो ये क्या है ये पिज्जा कॉफी वगैरह सब चीज की दुकान है। मार्केट शुरू ये मार्केट है दलील की। नोनू को तो यहाँ फेस टू फेस दिख रही है। देखो भाई साड़ियाँ खरीदो सूट साड़ियाँ, इधर ये देखो मतलब हवा का फ्लो नहीं रहा है, हवा का फ्लो यहाँ नहीं है ना, खाली इसका चप्पू का फ्लो है। अच्छा भाई यहाँ तो भीड़ सी हो गई, ट्रैफिक जाम हो गया लग रहा है, पर भी जाम लगता है ना, जाम लग गया भाई जैसे हमारे सड़कों पे जाम लगता है ऐसे यहाँ भी जाम लगता है। अब रास्ता ढूंढते हैं भैया हमारे रास्ता निकालते हुए। ये अरे लड़ेंगे बच गए। ये देखो आंटी जा रही है बाहर मार्केट। इधर देखो लैंड है, इधर लौकी तोरी बोल रहे होगा, उधर वो देखो अनार का पेड़ है, इधर ये
सही है, मस्त। यहाँ पर इनकी मतलब खेती बाड़ियाँ होती हैं। मैंने बताया ना आपको। हाँ जी, खेती भी उगता है। ये जो का वॉलेट फर्नीचर राइट साइड में। हाँ, ये वुड का ना सारा, सारा वुड का काम सामान इधर। ये हमारे यहाँ शहतूत बोलते हैं इसको। ये इसको बोलता है कश्मीर विलो और दूसरा होगा इंग्लिश विलो। अच्छा अच्छा, इंग्लिश विलो जो इंटरनेशनल में बैट बनते हैं। हाँ। कश्मीर विलो के लकड़ी के। हाँ, ये देखो यहाँ पर खेती बाड़ी यहाँ से राइट। हाँ, ये देखो ये देखो ये बोया हुआ। अभी क्या हो गया, ज्यादा तो यहाँ पर शोरूम ज्यादा बन गए ना। हाँ हाँ, ये पूरा खेती है। अच्छा अच्छा, इधर देखो पीछे होता है। हाँ, ये पीछे उनका घर भी है। हाँ जी हाँ, यहाँ देखो शॉपिंग कर रहे इधर। रास्ते में नहीं है। तो भाई वो पेड़ देखा था ना हमने अखरोट का, वो ऐसे निकलता अंदर से, अब वो केसर का है बीच में। अरे पापा खाना बनाया क्या यहीं पे हैं? यहाँ देखो सब्जियां भी बिक रही है भाई, देखो लौकी है, गोभी है, शिमला मिर्च, आलू, प्याज, ग्रीन वेज सब कुछ है, पालक भी है, आलू भी है, धनिया भी है। कुछ नहीं चाहिए अंकल। इधर मूवी की शूट हुई थी और अब स्टार्ट हो रहा है हमारा मीना बाजार। मीना बाजार यहाँ भी है गाइस, अपने दिल्ली में भी है, लाल किले के सामने मीना बाजार। यहाँ पे ना ये रोटी खाते हैं, देखो ये रोटी है, बेच रहे रोटी मीना बाजार। पीछे वहाँ बनती थी वो शिकारा बनता है वहाँ पे, और ये मीना बाजार स्टार्ट हो गया। इस देखो हम कितने ऊपर गए थे पैदल, ये शंकराचार्य मंदिर। हमने जो भी यहाँ मार्केट है ना, ये हैंडमेड है कश्मीर का, तो हमने ये वॉच लिया है यहाँ पे। फ्लोट, ये मतलब फोल्डेबल वॉच है, तो हमने ले लिया, अच्छा लगा। हाँ, कुछ कश्मीर की याद होनी चाहिए। तो ये उधर नानू ने, इधर नानू ने अपनी पढ़ाई के लिए पेंसिल। भाई काफी देर से हम घूम रहे हैं, पॉइंट तो 8 गिनाए थे हमने, 2-3 ही देखे हैं। भैया कितने पॉइंट दिखा दिए आपने हमें? पहले आया गुलफाम लेक। हाँ जी, नेहरू पार्क। हाँ जी, ओपन डल लेक। हाँ जी, मिशन कश्मीर का शूटिंग। हाँ जी, फ्लोटिंग मार्केट। हाँ जी, मीना बाजार। अरे सारा खत्म हो गया। तो गोल्डन लेक और लोटस लेक। कहाँ है गोल्डन लेक? ये है ना दोनों साइड, क्योंकि यहाँ के शाम के टाइम है ना। हाँ, रिफ्लेक्शन पड़ता है पानी के अंदर। अच्छा अच्छा, मतलब इवनिंग में ज्यादा सही घूमने के लिए। इनका एक रिफ्लेक्शन होता है, गोल्डन पार्क बोलते हैं इधर। गोल्डन लेक रात में गोल्डन लाइट चमकती है इधर लेक में, इसलिए। आइए बीचों बीच क्या बिक रहा है? ये फास्ट फूड। फास्ट फूड, वेरी गुड। तो गाइस इधर देखो फिशिंग हो रही है यहाँ। इस यहाँ देखो यार, वाटर एम्बुलेंस, सारी सुविधा है, हर चीज की सुविधा है यहाँ। यहाँ ना नाइट का व्यू अलग ही होगा, रिफ्लेक्शन पड़ता है ना। हाँ, मजा आता होगा बिल्कुल। ये जो सामने दिख रहा है इसी का रिफ्लेक्शन सीधे नीचे सेम टू सेम दिखता होगा पूरा। तो गाइस इधर देखो यार, यहाँ पे अंगूर की बेलें भी हैं यार। कुछ भी गाओ यार, मतलब कश्मीर का अपना एक अलग ही नजारा है भाई। मैंने तो एक्सपीरियंस ले लिया, बहुत अच्छा। यहाँ के जो वादियाँ हैं, यहाँ की जो ग्रीनरी है, यहाँ की जो खूबसूरती है, और ये नहीं है कि मतलब हर जगह हर प्लेस, यानी कि अपना पहलगांव या सोनमर्ग, गुलमर्ग, इसकी अपनी अलग ही बात है। अभी ये देखो ये लोटस, ये आगे वाला लिली है, उसके पीछे लोटस है। ये देखो ये लोटस फ्लावर है, इसका मतलब आगे लिली भी है। अभी फिलहाल नहीं है लेकिन।
आंटी जी भी वही चला रहे शिकारा। एक्सपीरियंस रहा, मजा आ गया। आप लोग भी आओ, एंजॉय करो भाई हमारी डल झील। और हमारा शिकार राइड कंप्लीट हो गया, हम आ गए अपने घाट पे। तो अब चलते हैं, अब देखते हैं क्या करेंगे आगे। चलो पार्किंग में आए थे तो यहाँ एग्जीबिशन लगा हुआ, देख के आते हैं अंदर क्या क्या है। ये देखो बोर्ड के कितने प्यारे प्यारे सामान, चेयर देखो कितनी प्यारी लग रही है, चिकन बिरयानी जो हम नहीं खाते। यहाँ बैग देखो बिल्कुल मस्त। राधे पापा कुछ खरीद रहे हैं। हेलो, ले लिया आपने? हाँ ये ले लिया। आपने ये लिया? इसने ये लिया। ठीक है। भाई जो आप मांग रहे थे वो हो रहा टाइमर मिला। टाइमर भाई वो टाइमर कितना है दिखाना? ओके 270। ये ले लो, ये तो ये हाँ टाइमर। फ्रेंड्स यहाँ ना प्राइस सही है, शिकारा पे तो बहुत कॉस्टली था, 2-3 गुना ज़्यादा ही मांग रहे थे वहाँ पे। तो मैं कहूँगी वहाँ से ना लेकर बाहर की मार्केट से सामान ले लो अपना जो भी चाहिए आपको। मैंने ली है कुछ भैया। वॉच कितने की है ये वाली वॉच भैया? ये वॉच 600 की। कोई बात नहीं, आ जाओ, जब इतना टाइम दे दिया इतना और सही। आ जाओ तो इधर आ गए हम लोग गाड़ी के पास, चलते सामान रखते हैं और चलते हैं यहाँ से। भाई हमारे बगल में देखो क्या मस्त खड़ी हुई है, बस ये कि ट्रैवल कर करके गंदी हो गई, नहीं तो मस्त है, पंजाब की है। तो गाइस हमने कश्मीर घूम लिया और बड़े दुख के साथ आपको मुझे बताना पड़ रहा है कि अब मुझे कश्मीर को, पहलगाम, सोनमर्ग और इस डल झील को करना पड़ेगा बाय बाय, क्योंकि मैं करना नहीं चाहती। जबरदस्ती ले जा रहे थे बाबा, देख लो एक हफ्ता और सही और मैं पैर दबाऊंगी भाई, यहाँ पर रात में कंबल ओढ़ना पड़ता था, कहीं भी रहते थे हम लोग, मजा आया, फुल लोन मस्ती, मतलब बहुत मजा आया भाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय। ये देखो मेरे भोले बाबा, क्या मस्त भी हुआ यार।